हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सोनीज कॉर्नर में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनी। फ्रेंड्स, आज का प्रोजेक्ट है पेपर पाइप्स, हाउ टू प्रिपेयर पेपर पाइप्स फॉर पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट बहुत ही आर्टिस्टिक क्राफ्ट है। पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाइप्स का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक पेपर क्राफ्ट करने के लिए हमें पाइप्स कैसे बनानी है वो आज सीखने वाली हैं। और उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। पेपर पाइप्स के लिए हमें पेपर चाहिए होगा, कटर चाहिए होगा, ग्लू स्टिक चाहिए होगी, सीजर चाहिए होगी और एक राउंड स्टिक चाहिए होगी। आप नेटिंग नीडल भी ले सकते हो, जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है वो भी आप ले सकते हो, या राउंड कोई भी आप ऐसे स्टिक ले सकते हो। ये मैंने दो साइज की ली है, एक थोड़ी बारीक है और एक थोड़ी मोटी है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसी पाइप्स बनाना सीखेंगे और ये अलग अलग साइज की हैं बनाई हुई मैंने। ये देखिए, ये इसका साइज़ काफ़ी पतला है, ये मीडियम साइज़ है और ये थोड़ी मोटी है। अब ये कैसे बनाना है ये हम आज सीखने वाले हैं। पेपर क्राफ्ट्स की चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। मैंने अपने बनाई हुई थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, वो आपको पहले बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बकेट बनाई है मैंने, ये सब ये पेपर पाइप्स की ही बनी हुई है। पेपर पाइप्स को वीव करके ये बकेट बनाई गई है। ये देखिए, ये उसका ढक्कन है। ऐसे हम ज्वेलरी आइटम भी बना सकते हैं, जैसे ये कड़े बनाए हैं, ये सब पेपर वर्क, सब पेपर वर्क के हैं, पेपर क्राफ्ट में है। ये देखिए, ये कुछ नेकलेसेस हैं पेपर क्राफ्ट के। ये देखिए, ये सब पेपर क्राफ्ट के नेकलेसेस हैं जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब पेपर पाइप से ही मैंने बनाया है ना। अभी हम सीखते हैं कि पेपर पाइप्स कैसे बनाए हैं। Now let's start the procedure. सबसे पहले हमें पेपर लेना है। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर है, इसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करेंगे और हम इसको इधर से काटेंगे कटर के साथ। ये देखिए, फिर इसको फोल्ड करने के बाद हमने इसको काट लेना है और ये हमारा ऐसे आएगा, हाफ हो जाएगा। और ये जो जॉइंट है, जॉइंट को भी हम काट लेंगे। ऐसे हमारे पास फोर पीसेस बन गए हैं। अभी हम इसकी कैसे पाइप बनाते हैं वो सीखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पोर्शन हमने लिया और एक अपने स्टिक ली, ये जो थोड़ी मोटी है वो मैं ले रही हूँ। और इसको 30 डिग्री के एंगल में रखना है आपको, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, आपको 30 डिग्री के एंगल में रखना है। ये देखिए, ये थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं रखना, बस इतना ध्यान देना है क्योंकि फोल्ड करने में फिर दिक्कत आएगी आपको, इसीलिए 30 डिग्री में इसको रख के इसको थोड़ा फोल्ड किया। थोड़ा आपको हल्का सा फोल्ड करना है
और इसको रोल करते हुए आगे लेके जाना है। हल्का सा हाथ इधर रखेंगे और इस हाथ से हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, इसको मैंने टच किया है खाली, लेकिन इससे रोल करना है आपको। एंड तक लेके जाना है और फिर एंड में हमें ग्लू स्टिक से हमें ग्लू स्टिक से इसको ग्लू स्टिक से ग्लू लगाकर ऐसे रोल करेंगे तो ये अपने आप देखिए स्टिक हो जाएगा और इसको हम नीचे से निकाल लेंगे। ये हमारी एक पाइप बनकर रेडी हो गई है। बहुत इजी है ये बनाना, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगी आपको। ये देखिए, आपको 30 डिग्री एंगल में रखना है और फोल्ड करके थोड़ा इसको रोल करते जाना है। ये देखिए, हल्का सा ऊपर हाथ रखेंगे और नीचे से फोल्ड करते हुए स्टिक बना लेंगे हम। आगे ग्लू स्टिक लगाकर रोल करेंगे और ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए, और इसको हम नीचे से खींच लेंगे। ये हम स्टिक निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी ऐसे स्टिक जो है वो रेडी हो गई। अभी हम इससे थोड़ा पतला बनाना है तो हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो हमने हाफ काटा था पेपर, उसको फिर फोल्ड करेंगे और अगेन फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा और पतली स्ट्रिप जो है वो रेडी हो गई है। इसको भी सेम मेथड से हमें रोल करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा बारीक लेंगे स्टिक और 30 डिग्री एंगल में रख के इसको हम रोल करेंगे। यहाँ से स्टिक थोड़ी बाहर रहनी चाहिए क्योंकि हमने इसको निकालना है, वो पेपर के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, फोल्ड करते हुए आगे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और फिर हम रोल कर देंगे इसको। ये हमारी बारीक वाली स्टिक रेडी हो गई। देखिए, ध्यान से हमें इसको नीचे खींच लेना है। ये थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन ये देखिए, ऐसे ही हमें खींच लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और आपके सामने रोल करती हूँ। 30 डिग्री एंगल पे रख के हमें रोल करना है। इसको अगर फोल्ड हो जाए तो थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। करते हुए हम यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिक निकाल ली और ये हमारी स्टिक जो है वो रेडी है। और अगर हमने वाइट स्टिक बनानी हो तो उसकी टेक्निक ये है कि हमने जो वाइट पोर्शन है पेपर का वो इस साइड पे रखेंगे, ये जो वाइट पोर्शन दिखता है वो बाहर की साइड में रखेंगे और फोल्ड जो है हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमारे वाइट स्टिक्स बनेंगी। ये देखिए, ये फोल्ड करते हुए हम आगे तक लेके जाएंगे और जब यहाँ थोड़ा पोर्शन रह जाएगा तो वहाँ पे ग्लू के साथ स्टिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये निकाल लेते हैं स्टिक। ऐसे ही हमने बनाना है तो ये हमारी जो है ज़्यादा वाइट बनेगी। अगर हम इस साइड में वाइट वाला पोर्शन रखेंगे और दूसरी साइड से ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने फ्रेंड्स देखना है कि इसको जॉइन कैसे करें। अब जॉइन करने की टेक्निक ये है कि एक पोर्शन नीचे से लेना है और दूसरा पतला वाला लेना है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये हमारी जैसे स्टिक्स हैं इसमें हमने एक पोर्शन बारीक वाला लेना है और इसका दूसरा नीचे से लेना है और इस इन दोनों को आपस में यहाँ पे ग्लू लगा के थोड़ी सी ग्लू लगाने के बाद हमें इसको इंसर्ट करना है। ये देखिए, इसको इंसर्ट कर दिया तो ये हमारी स्टिक जो है वो लॉन्ग रेडी हो जाएगी। इसके साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो है जो हम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं इसको ऐसे ज्वाइन करके। ये बहुत आसान है फ्रेंड्स बनाना, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है पेपर क्राफ्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आर्टिस्टिक है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आप कोशिश करिए तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर पाइप्स बनाना। अगर आपको पेपर पाइप बनानी आ गई तो उसके बाद कोई भी पेपर प्रोजेक्ट करना जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत आसान है पेपर पाइप्स बनाना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।